झंडा जी के मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेरे पीछे झंडा जी आप देख रहे हैं, यहां पर झंडे जी चढ़ना है और 30 तारीख का जो मुहूर्त है वो यहां पर फिलहाल इसके लिए मुकर्रर किया गया है, तय किया गया है। और 30 मार्च को ही शनिवार को जो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक झंडा जी को उतारने का जो है कार्यक्रम होगा, और उसके बाद फिर जो झंडा जी है वो चढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो संगतें हैं वो पहुँचने लगी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम दूसरे जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब या दूसरे हरियाणा और दूसरे राज्यों से भी लगातार संगतें आ रही हैं। विदेशों से भी यहाँ पर संगतें आती हैं और यहाँ पर जो भी एक पौराणिक परंपराएं हैं उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए काम किया जाता है, यानी जो अरदास है, अपनी जो मनोकामनाएँ हैं वो यहाँ पर संगतें मांगती हैं। और जो महंत देवेंद्र दास जी हैं वो यहाँ पर क्योंकि गद्दी नसीन है तो ऐसे में यहाँ पर सभी जो हैं वो उनका आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर जो आप फिलहाल तस्वीर देख रहे हैं, संगतें जो हैं वो लगातार यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ पर जो हैं वो कई दिनों से पहुँची हुई हैं। फिलहाल ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की संगतें जो हैं सबसे पहले यहाँ पर पहुँचती हैं और उसके बाद यहाँ पर अपनी जो अरदास है, अपनी मनोकामनाएँ हैं वो यहाँ पर मांगती हैं। और सबसे मुख्य दिन जो होता है वो यहाँ पर झंडे जी चढ़ने का होता है, जिस दिन झंडे जी चढ़ाए जाते हैं उस दिन यहाँ पर मुख्य दिन माना जाता है। तो 30 तारीख का ये दिन तय हुआ है और पंजाब की जो संगतें हैं वो भी यहाँ पर पहुँचती हैं। इसके अलावा एक मेला जो है, क्योंकि झंडे जी का मेला जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो मेला है वो सालों साल से, सैकड़ों साल से यहाँ पर लगातार इस मेले को जो है वो किया जा रहा है। तो इसके लिए अलग अलग दिन जो है कार्यक्रम रखे जाते हैं। झंडा जी जो फिलहाल चढ़ा हुआ है उसे उतारने का कार्यक्रम होता है, उसके बाद नए झंडे जी जो है वो चढ़ते हैं। हर 3 साल में झंडे जी जो है वो यहाँ पर बदला जाता है। और सबसे ख़ास बात जो है झंडे जी के मेले में या झंडा जी चढ़ाने को लेकर होती है, वो यहाँ पर जो झंडे जी हैं उनमें गिलाफ जो चढ़ाए जाते हैं वो 3 तरह के गिलाफ होते हैं, जिसमें एक दर्शनी गिलाफ होता है जो केवल एक गिलाफ होता है। और ये जो है इसके लिए कोई भी जो संगत होती है या कोई भी श्रद्धालु जो है वो आवेदन करता है, यानी वो यहाँ पर महाराज जी के यहाँ जो है वो आवेदन करता है कि मैं यहाँ पर दर्शनी गिलाफ चढ़ाना चाहता हूँ झंडे जी में। तो ये कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल जो बुकिंग है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि करीब 104 साल बाद, यानी जो भी व्यक्ति आज दर्शनी गिलाफ के लिए आवेदन करेगा उसे 104 साल बाद उसका नंबर आएगा। इसी तरह से सनील गिलाफ होता है जो करीब 20 गिलाफ जो है वो झंडे जी में चढ़ते हैं, और उसके बाद एक सादे गिलाफ होता है जो झंडे जी में अंदर चढ़ाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर झंडे जी की जो परंपराएं हैं वो सालों साल से लगातार यहाँ पर चली आ रही हैं और इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए संगतें जो हैं यहाँ पर आती हैं और अपनी मनोकामनाएं, क्योंकि एक जो ये झंडे जी महाराज हैं या फिर गुरु राम राय हैं यहाँ पर, उनको लेकर एक मान्यता है या फिर उनको लेकर लोगों की अपनी एक सोच होती है, उनको काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो संगतें जो हैं मानती हैं और उनको ये लगता है कि जो भी यहाँ पर आता है उनकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो संगतें हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं और कहा जाता है कि लाखों की संख्या में, जिसे हम देखते हैं कि हालांकि इसकी गिनती जो है वो एग्जैक्ट नहीं कही जा सकती, लेकिन लाखों की संख्या में यहाँ पर संगत आती है अलग अलग राज्यों से। और ये सभी जो है एक पूरी योजना के साथ या पूरी प्लानिंग जो होती है उनकी उनकी उनके रुकने को लेकर, उनकी सुख सुविधाओं को लेकर यहाँ पर की जाती है, उनके खाने पीने को लेकर यहाँ पर की जाती है, उनके रहने ठहरने को लेकर यहाँ पर की जाती है। तो सभी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और संगतें लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। लाखों की संगतें जो यहाँ पर पहुँचेंगी उनके लिए भी व्यवस्थाएँ पूरी यहाँ पर की गई हैं, साथ ही जो परंपराएँ हैं झंडे जी के चढ़ने को लेकर वो परंपराएँ भी पूरी कर ली गई हैं। तो अब संगतें जो हैं यहाँ पर पहुँच रही हैं और जो सालों साल से परंपराएं यहाँ पर चली आ रही हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। श्री झंडा महोत्सव श्री गुरु रामराय जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष में हर वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है और इस बार ये तिथि 30 मार्च शनिवार को पड़ रही है। थोड़ा मैं श्री झंडा साहिब के इतिहास के बारे में और श्री गुरु रामराय जी महाराज के बारे में आपको बता दूँ, और वो बाद में देहरादून में आ गए। इस घाटी में उन्होंने तपस्या की, इस स्थान पे जहाँ पे आज झंडा साहिब स्थित है वहाँ पे उन्होंने तपस्या की, इसको अपनी तपस्थली बनाया। सन 1674 की बात है, तब से संगतें उनके जन्मदिवस के उपलक्ष में और उनके देहरादून आगमन पर ये महोत्सव मनाती है। और इसका विशेष आकर्षण जो दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है वहाँ पर झंडारोहण से होता है। जो झंडे जी हैं ये साल के वृक्ष से बनाए जाते हैं, इसकी लंबाई जो है लगभग 90 फुट होती है और जो नीचे से जो गोलाई है वो 50 फुट तक 32 इंच होती है। अब बाद में ये हर 10 फुट पर
दो दो इंच कम होती जाती है और लास्ट में ये 14 इंच रहती है। मैं आपके ये ई टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप दरबार साहब में आए और आप झंडा मेला के बारे में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं। देखिए, ये स्थान जो है गुरु रामराय जी का स्थान है, यहाँ उनकी समाधि है, ऊपर उनकी मंजी है, पलंग है। यहाँ हर साल होली के 5वें दिन चैत्र की महापंचमी होती है, उस उपलक्ष्य में झंडा जी मेला आरोहण होता है, गुरु महाराज जी का जन्म दिवस होता है। हर जन संगत अपनिया मनोकामना मंगदियाँ हैं, इच्छा मंगदियाँ हैं, पूर्ति जो महाराज के दरबार से पूर्तियाँ होनी है तो लोग इस दरबार से आते हैं। झंडा साहब के मेले में लोग अपने निशान साहब महाराज के गलेफ चलाते हैं। उस गलेफ का मतलब यह है जो गलेफ चलाते हैं वो महाराज के जो उन्होंने घर उन्होंने इच्छा पूरी होती है तो वो गलेफ लोग चलाते हैं। जिन्होंने काम नहीं पूरे होंगे तो वाहेगुरु के अरदास करो तो पूरे हो जाते हैं, तो वह फिर लोग काम मामना करते हैं तो पूरी हो जाती, तो लोग गलेफ चढ़ाते हैं झंडे साहब के, फिर सुखना पूरियां कर देता बाबा। यहाँ पे हम लोग जो है 14 साल से बराबर लगा रहे हैं, 1 महीने का मेला है लेकिन 18 दिन चलता है, लेकिन 1 महीने का वो है। हाँ, बड़ी संख्या में लगाते हैं। श्रद्धालु जो है वो कहाँ से आते हैं? बड़े बड़े दूर दूर से आते हैं, जैसे पंजाब है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बहुत जगह से आते हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन परवीन सोनकर के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।